अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत छोटा सा ग्रैंड स्क्वायर लेके आई हूँ, जो बहुत जल्दी और बहुत इजी बन जाता है। ये देखें, लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टू कलर्स की वूल ली है, ब्लू और येलो में। ठीक है, टू कलर्स की मेरी वूल है और वूल जो मैंने ली है वो 3-ply में ली है। ठीक है, 3-ply की मेरी वूल है। क्रोचेट हुक मैंने 2 mm लिया है, क्योंकि ये वूल थोड़ी सी बारीक है, तो हुक भी मैंने थोड़ा सा जो है वो बारीक लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है मैं आपको इसको जैसे जैसे बनाना बताती हूँ, वैसे वैसे आप साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स जरूर दें। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे मैजिक नॉट से। ठीक, यहाँ से ये देखिए मैजिक नॉट मैंने ले लिया। अब हम लेंगे 7 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फर्स्ट चेन जो है हमारी उसमें से स्लिप स्टिच लेते हुए हम ये सर्कल बना लेंगे। ये देखिए हमारे पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सर्कल आ गया। यहाँ पर लेंगे हम 1, 2 और ये 3 chain, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लेंगे सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया और ये फोर्थ डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे 4 डबल क्रोशिया हमारे। और लेंगे नेक्स्ट 1, 2, 3 chain और अगेन सेम होल में से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और ये 4। नेक्स्ट अगेन 1, 2, 3 chain और 4 डबल क्रोशिया सेम होल में से लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखिए हमारे पास 3 corner आ जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट लेंगे 1, 2, 3 chain और नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। लास्ट डबल क्रोशिया हमारा आ जाएगा 4, 1, 2, 3 chain लेंगे और देखेंगे जो हमने ली थी 1, 2, 3 पहले चेन, उसके थर्ड चेन में से हम निकालेंगे इसको स्लिप स्टिच के साथ, इस राउंड को फिनिश करेंगे। तो हमारे पास ये छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे एक चेन एक्स्ट्रा इसको ख़त्म करने के लिए, वूल को कट करने के लिए। और अपनी वूल जो अब हम कर लेंगे कट यहाँ से इस तरीके से। ये देखें, ये हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट अब हमें येलो वूल का यूज़ करना है। ठीक है, येलो वूल को यूज़ करेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 corner है, किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट ले लेंगे। यहाँ से देखें, ये कॉर्नर से मैं वूल के साथ स्टार्ट ले रही हूँ। ये मैंने इस तरीके से निकाला वूल को क्रोचेट हुक में से, 1, 2, 3, ये मैंने 3 chain ली हैं। ठीक है, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, टोटल इसमें से हमें 12 डबल क्रोशिया चाहिए। 2 मैं ले चुकी हूँ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट मेरा डबल क्रोशिया 12। ये देखिए, ये 12 डबल क्रोशिया फर्स्ट कॉर्नर में मेरे आ गए। इसी तरीके से कोई चेन नहीं लेनी, कुछ नहीं हमने करना, डायरेक्ट जो हम ये जो हमने 3 chain ली थी यहाँ आ जाएंगे और यहाँ अगेन इस कॉर्नर में हम लेंगे 12 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया 12। ठीक है, ये देखें, ये सेकंड कॉर्नर में मेरा आ गया।
नेक्स्ट अब हमें चाहिए थर्ड कॉर्नर जो है वहाँ पे हम लेंगे 12 डबल क्रोशे। इसी तरीके से थर्ड कॉर्नर में और फोर्थ कॉर्नर में भी 12 डबल क्रोशे लेके तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम जो लेंगे स्लिप स्टिच, वो जो फर्स्ट में हमने 3 चेन ली थी उनमें से लेके तो इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे 12 डबल क्रोशे के साथ। तो हमारा खूबसूरत सा, ये देखिए बड़ा छोटा नन्हा मुन्ना और बड़ा खूबसूरत सा ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 11 मैंने ले लिया, 11 ले चुकी हूँ मैं, ये 12 हमारा डबल क्रोशिया आ जाएगा लास्ट। ये देखिए फोर कॉर्नर जो है मेरे इस तरीके से तैयार है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट हमने 3 चेन ली थी सॉरी उसकी थर्ड चेन में से हम स्लिप स्टिच इस तरीके से लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 1 चेन लेकर और फूल को कर देंगे हम कट। तो ये देखें ये मेरा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा ग्रैनी स्क्वायर जो तैयार है। ये देखें आप इनको इस तरीके से ज्वाइनिंग देके ज्वाइन करेंगे यहाँ से इसी तरीके से इधर 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 आप जितने चाहें और बना के इनको, ठीक है, तो इनको यूज़ कर सकते हैं आप। देखें इसको आप इसी तरीके से बनाते हुए बेबी ब्लैंकेट में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पिलो कवर्स में यूज़ कर सकते हैं, कुशन कवर्स में, बेड शीट्स में, किसी भी चीज़ में। ये छोटे छोटे स्क्वायर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके मेड में आप यहाँ पे नेट बना के भी इसको अटैच कर सकते हैं साथ, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखें ये छोटा सा ग्रैनी स्क्वायर है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ साथ कमेंट जरूर दें। ठीक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत छोटा और बहुत प्यारा लगता है। ये ख़ास तौर पे बच्चों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये और बहुत अच्छा लगता है। तो चलें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी दोबारा किसी अच्छी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।